नमस्कार, 8:50 हो चुके हैं। ये वक्त है दिन भर की पूरी खबरों को देख लेने का। दिन भर जब आप कामकाज में व्यस्त थे, तब जिले में क्या कुछ घटित हो रहा था, जानिए इस एक बुलेटिन के साथ। नमस्कार, खबर दिन भर में सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभम सोनी और आइए शुरुआत करते हैं दिन की एक धार्मिक खबर के साथ। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव जी की बारात बड़े धूमधाम से निकाली गई। भोलेनाथ की बारात हटवारे से शुरू होते हुए मुख्य मार्गों में होते हुए भिन्न झांकियों के साथ साथ देर शाम तक संकट मोचन मंदिर पहुंची, जहां पर बीच बीच में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए। दूल्हा ने भोलेनाथ के दर्शन पाकर सभी धर्म प्रेमी उत्साह के साथ बारात में हजारों की तादाद में शामिल हुए। बारात का जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत भी किया। यह पूरी रीति रिवाज के साथ शिव गौरी का विवाह संपन्न हुआ, जिसके बाद सभी धर्म प्रेमियों को प्रेम भाव से प्रसाद भी वितरित किया गया। महाशिवरात्रि पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हजारों लाखों श्रद्धालु महादेव के मंदिर में, मां पार्वती के मंदिर में उपस्थित हुई है और अपनी अपनी याचनाएं, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी के लिए, उनकी विवाह के लिए, शुभ विवाह के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आज यहाँ महाशिवरात्रि में संकट मोचन मंदिर में बारात का कार्यक्रम किया जाएगा और शादी का भी कार्यक्रम किया जाएगा। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की इस खबर पर। महाशिवरात्रि के पर्व पर जगह जगह पर शिव जी की बारात निकाली गई, तो वहीं पर प्रसाद वितरण का आयोजन भी रखा गया। जटाशंकर में महाशिवरात्रि के पर्व पर यहां पर शिव जी की बारात निकाली गई, तो वहीं पर कांग्रेस नेता राजेश बबलू शुक्ला यहां पर पहुंचे और मत्था टेक कर ओला पीड़ित किसानों के लिए प्रार्थना करते हुए इन्होंने पूजा अर्चना में शामिल हुए। यहां पहुंचे कांग्रेस नेता राजेश बबलू शुक्ला ने मत्था टेकते हुए यहां पर पूजा अर्चना की और किसानों के साथ जो ओलावृष्टि हुई है उसके लिए भगवान से कामना की है। आज सिद्धाम श्री जटाशंकर में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भगवान श्री भोलेनाथ की बारात निकाली गई। इसके अलावा भंडारे का आयोजन किया गया। मुख्य मंदिर में भगवान श्री का अभिषेक के बाद वैवाहिक रस्में हुई। भगवान जटाशंकर बुंदेलखंड में एकमात्र ऐसी जगह है, घटाधारी उन्हीं की कृपा है सब पे, उन्हीं के सानिध्य में सब रहते हैं। मैं भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन पूर्व जो क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, उन परिवारों को संतावना और आशीर्वाद इसने प्राप्त करें, जिससे वो सुखी संबंध रह सके। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के 12 बजे के बुलेटिन पर। छतरपुर में यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर ये ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। इन ट्रैफिक सिग्नलों को पेप्टेक की टीम के द्वारा खबर को प्रकाशित किया गया था कि ये सिग्नल बंद पड़े हुए हैं, जिससे लेकर ये ट्रैफिक सिग्नल चालू किए गए थे, लेकिन अब ये ट्रैफिक सिग्नल फिर दोबारा बंद पड़े हुए हैं। वहीं अंजना दुबे ने 26 जनवरी के पूर्व कहा था कि 26 जनवरी के बाद जो बंद पड़े हुए ट्रैफिक सिग्नल हैं उनको भी चालू कर दिया जाएगा, लेकिन वो सिग्नल तो चालू हुए नहीं हैं, लेकिन जो चालू पड़े हुए थे अब वो भी बंद पड़े हुए हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से चालू थी, पर क्या है जब से ये बंद हो गए तो हमें और भी ज़्यादा परेशानी होने लगी। अभी उस दिन वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, मैंने सडनली खुद ही देखा था उसे, पर मैंने अपने चैनल से देखा था कि 26 के बाद वहाँ वाले भी सिग्नल चालू होने वाले थे, उसके बाद पर ये भी बंद हो गए। मैं चाहती हूँ ये फिर से चालू हो जाए। असुविधाएं हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, हर जगह ट्रैफिक जाम हो रहा है, और इसको वही सुविधा अगर शुरू की गई है तो उसको बरकरार रखा जाए। जनता सभी परेशान हो रही है, कुछ सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये 10 तारीख तक ये शुरू होना था, ये अभी तक क्यों नहीं हुई। नमस्कार, पेप्टिक टाइम पर खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखेंगे एक अच्छी खबर, टेक्नोलॉजी कैसे आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है, इसका लाभ उठाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से तमाम विभागों को भी अब कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। छतरपुर नगर पालिका भी साफ सफाई की समस्या
को दूर करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कर रही है। छतरपुर में स्वच्छता ऐप के माध्यम से आप अपने मोहल्ले आस पड़ोस की गंदगी की तस्वीरें नगर पालिका को भेज सकते हैं और नगर पालिका इन तस्वीरों को देखकर त्वरित रूप से काम करती है और आपके आसपास पड़ी गंदगी को साफ करती है। इस संबंध में पैट्रिक टाइम ने एक स्पेशल खबर बनाई। इस खबर का उद्देश्य है कि आप भी अपने मोबाइल पर स्मार्टफोन पर स्वच्छता ऐप डाउनलोड करें और इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। आपको बता दें कि इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन से स्वच्छता ऐप डाउनलोड करना है और उसमें अपने आसपास पड़ी गंदगी की तस्वीरें और उसका एड्रेस डालकर नगरपालिका को सेंड करना है, जिसके बाद नगरपालिका इस पर त्वरित कार्यवाही करती है। आपको ये बता दें कि अब तक छतरपुर में 2700 से ज्यादा लोग इस ऐप का उपयोग कर चुके हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वच्छता के लिए पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता के संबंध में बनाया गया है। हर निकाय अपना अपना काम कर रहे हैं उस पर जो शिकायतें डलती हैं, शिकायतों की मॉनिटरिंग होती है, काम होता है। और हमें जो टारगेट दिया गया था, लक्ष्य था, उससे कहीं ज़्यादा हमने काम कर लिया है। तो क्या अभी ये नहीं लगता सर प्रचार प्रसार का अभाव है, ऐप कम लोगों ने डाउनलोड? जो उनकी टीम थी स्वच्छता सर्वेक्षण की, वो छतरपुर आके उन्होंने सर्वे किया है, वो देख कर चले गए, प्रचार प्रसार भी हुआ है। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखते हैं एक और जनहित से जुड़ी खबर को। सूखे का संकट आए दिन बढ़ रहा है और लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका ने अब ऐसे लोगों की को मदद पहुंचाने के लिए, उन्हें राहत देने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस नंबर के माध्यम से आप अपने आसपास के हैंडपंप की शिकायत इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। आप स्क्रीन पर इस नंबर को देख रहे हैं, ये नंबर आपके आसपास मौजूद हैंडपंप की शिकायत के लिए है। छतरपुर में कुल 2000 हैंडपंप हैं, जिनमें से 50 से अधिक हैंडपंप में पानी आना बंद हो गया है। लोग इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा के नगर पालिका को सूचित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके आसपास मौजूद हैंडपंप को सुधरवाया जाएगा। गर्मी आ गई, पिछले वर्ष बारिश नहीं हुई है, पानी की बड़ी समस्या है। हैंडपंप के बोर प्रतिदिन ड्राई हो रहे हैं, जल स्तर नीचे गिर रहा है। समस्याएं तो हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं कि उनको मेंटेन रखें, पाइप बढ़वाएं, जहाँ तक हमें पानी मिल सके पानी दें। नगर पालिका द्वारा हेल्पलाइन बनाई गई है, कंप्लेंट्स आती हैं, उस पर कार्रवाई होती है। पानी की परेशानी है, खाना वाना आए के पानी भरे, पानी ही नहीं है उसमें, हेड पंप में ना पानी की व्यवस्था कोई शब्द ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दिन भर में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली खबर चंदला से है। चंदला में एक 3 दशक पुरानी पानी की टंकी को नगर पालिका के द्वारा गिरा दिया गया है। आपकी इस पानी की टंकी की हालत जर्जर हो चुकी थी। 5 साल से यहां रहने वाले लोग टंकी से दहशत में थे। इसकी शिकायत होने के बाद नगरीय निकाय की नींद खुली और उन्होंने इसे गिरा दिया है। इस टंकी के गिरने के बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें आपको कि इस टंकी का मलबा झरने लगा था, जिसके कारण लोग काफी दहशत में थे। टंकी को नगर निकाय ने गिरा दिया है, लेकिन अब नई टंकी का निर्माण कब होगा और कैसे लोगों को पानी दिया जाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। टंकी करीब 30-31 वर्ष पुरानी हो चुकी थी, जिससे इसका जो मलबा था वो ऊपर से झरने लगा था, जो नीचे गिरता था वो खतरे को अंजाम दे सकता था। इसी के चलते नगरवासियों ने नगर प्रशासन को कई बार शिकायत दर्ज कराई थी, इसीलिए नगर प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेते हुए इस टंकी को। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दिन भर में। सरकार इस साल छतरपुर के लोगों को 121 करोड़ की शराब पिलाने जा रही है। जी हाँ, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ सरकारी प्रयास नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं और लोगों को नशे से दूर रहने की हिदायत नसीहत दी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार
शराब के ठेकों के माध्यम से शराब के बेचे जाने की मात्रा को लगातार बढ़ा रही है। ताजे आंकड़े जो सामने आए हैं उसके मुताबिक अब 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक छतरपुर में 121 करोड़ की शराब बेची जाएगी। ये शराब शहर के विभिन्न देसी और विदेशी ठेकों के माध्यम से बेची जाएगी। इस शराब को बेचे जाने के लिए जल्दी ही लॉटरी सिस्टम के माध्यम से ठेकेदारों को इन दुकानों के ठेके दिए जाएंगे। इस पूरी कवायद के बाद सरकार 121 करोड़ की शराब छतरपुर जिले में बेचेगी। ये वो आंकड़ा है जो सरकारी तौर पर सामने आया है। आपको बता दें कि इससे ज्यादा अवैध शराब भी बेची जाती है। इस मामले में आबकारी विभाग का कहना है कि ये शासकीय प्रक्रिया है। तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ताओं और नशा मुक्ति अभियान में शामिल लोग इसका विरोध जता रहे। 121 करोड़ की शराब ये पिलाने की तैयारी में है और बहुत सारी दुकानों की तो उन्होंने एज इट इज 15% बढ़ा के इन्होंने ठेके दे ही दिए हैं। बाकी जो बचे हुए शेष हैं उनको और इनको देना है और ये देंगे। और देखिए आप विडंबना देखिए जनता की कि दुनिया की सारी चीज़ों पर टैक्स बढ़ रहे हैं, हर चीज़ें महंगी हो रही हैं, लेकिन शराब का टैक्स मध्य प्रदेश सरकार कम कर रही है। ये सीधा सीधा छलावा जनता के साथ है। हम इनके इस प्लान की घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं सरकार से कि पूर्ण रूप से शराबबंदी मध्य प्रदेश में की जाए, नहीं तो हम लोग पूरे क्षेत्र में ये बुंदेलखंड में पूरी अलग जगाएंगे कि अगर जो सरकारें हमारी शराबबंदी करेंगी उन्हीं को हम वोट देंगे, नहीं तो इनको वोट देने नहीं देंगे। इस साल जो करंट लाइसेंसी जो ठेका चला रहे हैं उन्हीं को 15% मूल्य बढ़ा के नवीनीकरण का ऑप्शन दिए हैं। तो ज़िले में कुल 26 ग्रुप है, उस 26 ग्रुप में से 21 ग्रुप पे नवीनीकरण के आवेदन जमा हो चुके हैं और 5 ग्रुप अभी बचे हैं जिस पर लॉटरी आमंत्रित कर रहे हैं। लक्ष्य ज़िले में अभी 105 करोड़ था, उस पर 15% बढ़ा के 121 करोड़ का लक्ष्य है ज़िले का, जिसमें 97 करोड़ के नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 5 ग्रुप बचे हैं उसमें गुवारा, ईशानगर, हरपालपुर, महाराजपुर और गढ़ी मलेरा, ये 5 ग्रुप है जिस पर लॉटरी के आवेदन मिला है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। हर घंटे की खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। कहते हैं कि अगर आदमी के अंदर जुनून हो तो वो कुछ भी कर सकता है। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में छतरपुर जिले में अब कई कलाकार ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जो अपनी पूंजी और मेहनत और लगन के बल पर न सिर्फ फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं बल्कि फिल्में यूट्यूब में रिलीज कर लाखों दर्शकों के चहेते भी बन रहे हैं। ऐसे कुछ कलाकार हैं समीपस्थ ग्राम पसारी के। इनमें अनूप चतुर्वेदी, कमल और उनके बहुत सारे साथी पिछले कई दिनों से लगातार ऐसी शॉर्ट फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। एक और फिल्म का निर्माण किया है, फ्रेंड्स फॉरएवर। ये लगभग 1 घंटे की फिल्म है जिसमें सभी दोस्तों ने मिलकर काम किया है। एक दोस्त की कहानी जिसे कैंसर हो जाता है और उसके लिए फिर क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये कहानी मनोरंजन से भरपूर है, इसमें फाइट सीन भी हैं, यानी कि पूरा मसाला इस फिल्म में है। ये फिल्म बुंदेली उत्सव में रिलीज की जाएगी और उसके बाद फिर यूट्यूब में भी रिलीज होगी। इसके पहले भी ये लोग काफी फिल्में बना चुके हैं जो कि दर्शकों द्वारा पसंद की जा चुकी हैं। उसने दुनिया को छोड़ा यार, जो तो पता ही है यार, तुम्हें ही मैं कछु दिखा दे। पढ़ो देखो देखो यार, हटो भैया। तुमने अन्ना को गोली दी, समझो दुनिया छोड़ दी। आज के बाद तू हमारे भाइयों के साथ नजर नहीं आना चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए। तू समझ में आया? तेरी अपनी औकात में रहे, औकात में, समझ गया?
तुम्हारे यहाँ तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिमाग तुम्हारा खराब है। ज्यादा उड़ रहे हैं लेकिन तुम हवा में हो। ये नहीं उड़ रहे हैं। उड़ा है। उड़ रहे हैं बिल्कुल उड़ रहे हैं। चलो देखें। फिल्म का नाम है फ्रेंड्स फॉर एवर और ये विचार हम लोगों को क्या है कि जो हम हमारे दोस्त भी हैं चार पांच, तो एक दिन हम लोग बैठे थे ऐसी, तो एक ऐसी घटना हुई हमारे साथ, उससे हमें प्रेरणा मिली कि ये फिल्म, इस पर अपन एक फिल्म ही बना सकते हैं। तो कुछ उस हकीकत का लिया, कुछ काल्पनिक फिल्म बन गई। नमस्कार, खबर दिनभर में इस घंटे की खबर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नौगांव के शासकीय नवीन कॉलेज में छात्र संघ की मांग है कि वार्षिकोत्सव के लिए जो फंड दिया गया है वो पर्याप्त नहीं है और उसमें बेहतर तरीके से संचालन नहीं हो सकता। छात्रों का ये भी कहना है कि कई मदों में महाविद्यालय द्वारा पैसा लिया जाता है, बावजूद इसके ये पैसा छात्र हित में खर्च नहीं किया जा रहा। कक्षाएँ प्रॉपर ढंग से नहीं लग रही और प्राध्यापक कक्षों में बैठकर बातचीत करते रहते हैं, जिससे कि क्लासें भी अव्यवस्थित हैं। इस बात को लेकर एक ज्ञापन प्राचार्य के नाम सौंपा गया है। समस्या ये है कि क्लासेस टाइम पे नहीं लगती हैं, जब प्रिंसिपल ही टाइम पे नहीं आते हैं तो टीचर्स भी टाइम पे नहीं आते हैं, तो इसी वजह से ना कोई क्लासेस लगती है ना बिल्कुल स्टडी होती है। नहीं, आज तक कोई भी नहीं हुए प्रोग्राम हमारे कॉलेज में और ना कोई महिलाओं के लिए कुछ किया जाता है, ना कोई कल्चरल एक्टिविटी हुई है आज तक और ना कुछ हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि हो यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी और एनुअल फंक्शन हो। तुम मांग रही, पहली मांग ये है कि एनुअल फंक्शन इस बार होना चाहिए, बेकर चार पाँच वर्षों से एनुअल फंक्शन नहीं हुआ है, इसलिए एनुअल फंक्शन के लिए बजट उपलब्ध कराने के लिए ज्ञापन दिया है तथा 18,000 एनुअल फंक्शन, उसमें 18,000 रुपये में एनुअल फंक्शन नहीं हो सकता है। दूसरी मांग ये, बच्चों से कई प्रकार की असास की फीस ली जाती है, जैसे सोशल गैदरिंग युवा 150 रुपया, शारीरिक कल्याण 180 रुपया, जिसके साल भर गुजरने को कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए कहा है कि 5 दिन के अंदर अगर कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं रूपरेखा बना के, तो समुचित रूप से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्राचार्य अभी इस समय 18 तक 19 छुट्टी पर है, जैसे सर यहाँ पर आएंगे मैंने ज्ञापन ले लिया है और जैसे सर आएंगे मैं ये उनको बता दूंगी। नमस्कार, हर घंटे हम खबरें लेकर हाजिर होते हैं अपने बुलेटिन में। खबर दिनभर आप देख रहे हैं, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नौगांव में नगर परिषद द्वारा सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों का कहना है कि जगह जगह कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं, कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर 3-3 दिनों से कचरे का ढेर लगा रहता है, लोग गंदगी और बदबू से परेशान हैं, बावजूद इसके नगर परिषद द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस मामले में सीएमओ का कहना है कि नगरपालिका द्वारा प्रतिदिन सफाई कराई जाती है, रोज सुबह कचरा उठाया जाता है, बावजूद इसके लोग सार्वजनिक स्थलों पर कचरा डाल रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। सबसे ज्यादा गंदगी हो रही है, वोट लगने के बाद भी गंदगी फैल रही है। नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं यहाँ पर कभी कभार सफाई करने के लिए? आते हैं लेकिन सफाई उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से चाहते हैं। इसके लिए आपने कभी नगर पालिका को सूचित करने की कोशिश की, उनके अधिकारियों को बताने की कोशिश की? कई बार की लेकिन कोई सुनते नहीं है। नगर पालिका इस समय बहुत खराब स्थिति है नौगांव की, जिसकी 175 साल पहले अंग्रेजों ने जो कल्पना की थी बैठकर कि एक बहुत स्वच्छ और सुंदर शहर बनाया जाएगा, आज मैं देख रहा हूँ कि नौगांव की वो जो दुर्दशा है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, और अगर यही हाल रहा तो अपनी विरासत को नौगांव खो दे। हमेशा ही डली रहती है और 10 बजे उठ जाती है जब पाते हैं सीएम, इसके लिए सीएमओ से नगर पालिका में जाके पोस्ट मास्टर पोस्टमैन पर्सनली मिल के आए हैं, कचरा बंद नहीं फेंकना बंद नहीं। नगर पालिका नौगांव अंतर्गत शहर में सफाई की अच्छी व्यवस्था है और पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उठने के बाद पब्लिक डाल रही है कचरा, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कचरा पीछे 3 दिनों से जस का तस पड़ा हुआ है, तो क्या नगर पालिका के 3 दिनों से ध्यान नहीं गया है वहाँ पर? नहीं, नगर पालिका कचरा सुबह उठाती है, उठने के बाद
पब्लिक के लोग डाल देते हैं, लेकिन उनको हमारे द्वारा जागरूक किया जा रहा है कि यहाँ सार्वजनिक जगह पर कचरा न फेंका जाए और उनको कार्रवाई की जाए। नमस्कार, पेप्टिक टाइम पर खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देख लेते हैं बुलेटिन की दो बड़ी खबरें। छतरपुर के कई गांवों में ओलावृष्टि के कारण किसान बुरी तरह से परेशान हैं। पहले सूखे की मार झेली और उसके बाद ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। तमाम नेता खेतों में जाकर किसानों को ढांढस बंधा रहे हैं और उन्हें मुआवजा दिलाने की बात कर रहे हैं। राज्य मंत्री ललिता यादव भी गुरुवार को छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने पुत्र मोनू यादव के साथ पहुंची और इन स्थानों पर किसानों से मुलाकात कर खेतों के हालात देखे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सरकार से शीघ्र ही किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। हमारे पूरे छतरपुर जिले में 51 गांव में ओले पड़े हैं, उसमें हमारी छतरपुर विधानसभा के करीब 10-12 गांव में ओले पड़े हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में यहां पर ओला प्रभावित खेतों को देखने आई हूं और किसानों को साहस बनाने के लिए आई हूं। इस आपदा की घड़ी में भगवान पे तो कोई भरोसा, भगवान पे तो कोई बस नहीं है। ईश्वर ने जो आपदा दी है उसमें मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह चौहान आपके साथ है और इसका जो जो आपदा आई है, जो जो किसानों का नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा हमारी सरकार देगी, मध्य प्रदेश की सरकार देगी। यही साहस बनाने के लिए मैं सभी खेतों पे सभी लोगों से मिल रही हूँ। जहाँ जहाँ ऐसे 5-6 किलोमीटर का है और पैदल चलना पड़ता है, इसलिए आज मुझे 8-10 गाँव का दौरा करना है, इसलिए मैं बाइक से जा रही हूँ। मुझे उन खेतों तक पहुँचना है जहाँ किसानों का नुकसान हुआ है, इसलिए बाइक से जाना पड़ा। तो उन्होंने कलेक्टर रमेश भंडारी और तहसीलदार आलोक वर्मा, SDM रविंद्र चौकसी के साथ इन स्थानों का भ्रमण किया। इसके बाद राज्य मंत्री ललिता यादव छतरपुर के कन्या महाविद्यालय पहुंची, जहां पर शासन की योजना के मुताबिक लड़कियों को स्मार्टफोन बांटे गए। इस मौके पर कई लड़कियों को स्मार्टफोन देकर उन्होंने मुख्यमंत्री की इस योजना की तारीफ की और कहा कि बेटियां सिर्फ मोबाइल के एक क्लिक पर अपनी शिक्षा को और बेहतर बना सकती हैं। आज यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज में स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम हुआ और इस मौके पर मैंने बेटियों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। शिवराज सिंह चौहान जी की ये सोच है कि बेटियों के हाथ में दुनिया का ज्ञान उंगली के नीचे हो, इसलिए स्मार्टफोन दिए जाते हैं। मैं इन मोबाइलों का दो तरह से उपयोग होता है, एक सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। मैंने आज बेटियों से कहा उसका सदुपयोग करें और आगे बढ़े, अपने परिवार का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। राज्य मंत्री ने मोबाइल वितरण किया और उसके बाद एक समारोह के रूप में लड़कियों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाएं बताई। हालांकि मोबाइल पाने के बाद लड़कियों ने इन मोबाइल की स्थिति पर नाराजगी जाहिर की है। लड़कियों का कहना है कि 4G के जमाने में उन्हें 3G मोबाइल सेट दिया जा रहा है, साथ ही मोबाइल की स्थिति भी खराब है। जो मोबाइल मिला है वो तो ठीक है, शासन द्वारा दिया जा रहा है वो भी ठीक है, पर अच्छा है। लेकिन ये है कि दे रहे तो थोड़ी अच्छी कंपनी का दे, और 3G की जगह 4G है, ये 4-star कंपनी का दे देते हैं, 10 दिन बाद हैंग करने, अभी का भी हैंग करने लगा। 4G देना चाहिए, हैंग करने लगता है। 4G से मतलब नेटवर्क अच्छा रहता है और हर चीज सुविधा भी उसमें बहुत अच्छी रहती है, लेकिन 3G हैंग करने लगता है और मतलब अच्छा चलता भी नहीं है, और इसका जो यूज है वो बहुत कम हो रहा है और ये इसकी वैल्यू थोड़ी कम भी है। तो अगली खबर देखते हैं। अगली खबर भी ओला पीड़ित किसानों से जुड़ी हुई है। एक तरफ राज्य मंत्री ललिता यादव ने छतरपुर के कई गांवों में जाकर किसानों के हालात देखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने शहर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। दर्जनों किसानों और आप कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां लेकर दिल्ली सरकार की तर्ज पर 20,000 रुपए एकड़ मुआवजा देने की मांग सरकार से की। इस आंदोलन का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के नेता अमित भटनागर ने किया। आज ये दरअसल जो ये ओलावृष्टि हुई है जिससे खेत के खेत, गांव के गांव तबाह हो गए, एक तरह से मिनी प्रलय उन गांव के ऊपर पड़ा। जितने लोग थे किसी तरह से अपनी जान बचा के भागे, लोगों के घर, खपरे, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अभी ये किसान सूखे से परेशान थे, सूखे ने इन किसानों की कमर तोड़ रखी थी, महंगे बिजली के बिलों ने कमर तोड़ रखी थी, अधिकारियों की भ्रष्टाचारी और धर्राशाही ने इनकी कमर तोड़ रखी थी। ये किसान बहुत आक्रोशित हैं। अभी सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं बनी है, सरकार कुछ नहीं बता पा रही कितना मुआवजा देंगे। ये जानना चाहते हैं कि सरकार की क्या गाइडलाइन है, कितना मुआवजा
पहुंचा है। लगभग एक दर्जन गांव के लोग आप देख रहे हैं, सैकड़ों गांव के लोग यहां आए हैं, इन्होंने रैली निकाली है। सरकार हमें आश्वासन नहीं चाहिए, उचित कार्रवाई नहीं करती, स्पष्ट रूप से बताती नहीं है, बिजली के मनमाने बिल, किसानों के कर्ज को माफ नहीं किया जाता है, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। समस्या है कि वो पड़ गए हमारे यहाँ, तो अब कुछ बचा तो है नहीं, कुछ नहीं बचा है। तो कलेक्टर आए हम, कलेक्टर साहब हमारी कछु मदद करें, कितने को मुआवजा दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, तो दे। हमारी समस्या है, अभी जो 12 तारीख को रात में ओले पड़े, हम लोग पान किसान हैं, पान बरेजी का धंधा करते हैं जिसमें लाखों रुपए की लागत आती है। तो ये था 8:50 का बुलेटिन, दिन भर की तमाम खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात, नमस्कार।